कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन पंजाब के नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि केजरीवाल के साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को ध्वस्त नहीं करना चाहते हैं। उनका ये कड़ा रुख पंजाब में विपक्षी गठबंधन के साझेदारों के बीच गठबंधन की किसी भी उम्मीद को खत्म करता दिखा रहा है। दरअसल दोनों पक्षों के बीच इतनी कड़वाहट है कि बाजवा ने यहां तक कह दिया कांग्रेस जल्द ही भगवंत मान सरकार को गिरा देगी। बाजवा ने कहा कि अगर हमें पंजाब में लोकसभा चुनाव में 10 से 11 सीटें मिलती हैं तो हम आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा सकते हैं। उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, हमें जब भी मौका मिलेगा हम उन्हें गिरा देंगे। आम आदमी पार्टी के ज्यादातर विधायक आना चाहते हैं और उनके साथ नहीं रहना चाहते, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक असफल शादी को कौन बचा सकता है? पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। ड्रग्स के पुराने मामले में कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, खैरा के खिलाफ मामला अकाली सरकार में बदले की भावना से दर्ज किया गया, क्योंकि खैरा हमेशा उनके गलत काम को उजागर किया करते थे। 2017 में जब मामला चल रहा था तो भगवंत मान ने खैरा को विधानसभा टिकट क्यों दिया और वो आम आदमी पार्टी में चले गए। एक साल बाद अरविंद केजरीवाल ने खैरा को पंजाब में विपक्ष का नेता बना दिया। मान ने पहले कहा था कि ये मामला राजनीतिक प्रतिशोध का है। इसके अलावा खैरा को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है। कांग्रेस नेता बाजवा ने यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में कोई कैडर नहीं है और इसलिए वो कांग्रेस को एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में दिखाना चाहती है। हमारे पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार करके वे हमारी लीडरशिप का मनोबल गिराना चाहते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं। हमें उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। लोगों ने 18 महीनों में आम आदमी पार्टी का असली चेहरा देखा है। लोगों का मोह भंग हो गया है और वे कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। 9-10 सीटें तो कांग्रेस अपने आप जीत सकती है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कांग्रेस के कैडर्स अपने जिलाध्यक्षों और विधायकों से बात की थी, इनमें से सभी आपके साथ किसी भी गठबंधन के लिए तैयार नहीं थे। बाजवा ने कहा कि जितनी जल्दी मान सरकार जाएगी ये पंजाब के लिए बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।